भागलपुर के सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की पहली सोमवारी पर कच्ची कावरिया मोड़ पर एक कलयुगी श्रवण कुमार अपने माता पिता को भगवान मानकर तीर्थ यात्रा पर देवघर के लिए रवाना हुए। जहानाबाद के रहने वाले चंदन कुमार को मन में आया क्यों नहीं अपने माता पिता को तीर्थाटन करवाएं। पति पत्नी और अपने तीन बच्चों के साथ मिलकर अपने माता पिता को सुल्तानगंज से गंगा जल भर अपने कांधे पर लेकर देवघर को रवाना हुए। इस संबंध में चंदन कुमार ने बताया कि हम प्रत्येक महीने सत्यनारायण भगवान की पूजा अपने घर में करवाते हैं। जब मैं आरती लेकर पूजा से उठा तो मेरे मन में लालसा हुई क्यों नहीं अपने माता पिता को अपने कंधे पर लेकर देवघर तीर्थाटन करवाएं। हालांकि इसका विरोध माता पिता ने करते हुए कहा कि हम लोग वजनदार हैं, तुम कैसे अपने कंधे पर दोनों को इतना बड़ा 100 किलोमीटर की पदयात्रा तय करोगे। बावजूद चंदन अपने माता पिता को मना कर सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर को रवाना हो गए। महीने करवाते हैं, एक महीने महीने कराते हैं सत्यनारायण भगवान की पूजा, और पूजा आरती खत्म हुआ मन में ऐसा लालसा हो गया ना कि बस बोले सबके गांव समाज के सामने कि माता पिता के हम ले जाएंगे देवघर कमर बना के सरवन जी ने। वही फिर गांव वाले सब कहे मेरा माता पिता के, मेरा माता पिता तो आने के लिए नहीं तैयार थे, कितना भारी है कैसे तू ले जाएगा। तो गांव वाला कहे कि नहीं ये जब तैयार है तो ले जाइए जाइए। वही फिर सर तुरंत एक बार तैयार हुए एक बार लेकर चल रही आओ तो माए तो जी सर से जे है जे भगवान जितना है उतना बस लेते रहे बस आओ कुछ मांगे घर द्वार बन वेला है तन बन जी के जे ले जा रहे हैं हम। अच्छा, क्या मनोकामना से लेके जा रहे हैं? मनोकामना पूरा हो गया सर, ले जा रहे हैं सब पूरा हो गया। आप लोग कितने लोग इस हम दो आदमी हैं, हम तीन गो लड़का हैं। कहाँ से आ रहे हैं? जानी दे जहानाबाद से। आपका? रानी देवी।